नमस्कार सलाम, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास खबरें। ईवीएम की कथित अदला बदली को लेकर देश में चिंता, चुनाव आयोग ने कहा सब ठीक है। वेतन जारी होने पर दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। और हवाई पर प्रतिबंध, अमेरिका की टेक्नोलॉजी वार का हिस्सा। सबसे पहले बात ईवीएम की। इस समय जब सब लोग 23 मई की मतगणना का इंतजार कर रहे हैं, तब ईवीएम को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। इस बार आरोप ईवीएम से छेड़छाड़ के नहीं है, बल्कि ईवीएम को ही बदल देने के हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब की कई जगहों पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम को लाने ले जाने की शिकायतें मिल रही हैं। इससे नेताओं और आम जनता में संदेह बढ़ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि सभी मामलों को सुलझा लिया गया है। बिहार में भी कुछ जगहों पर ईवीएम की संदिग्ध आवाजाही का आरोप है। आरजेडी का आरोप है कि बिहार के सारण और महाराजगंज के स्ट्रांग रूम के इर्द गिर्द ईवीएम मशीनों से भरी गाड़ी पकड़ी गई हैं। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने भी ट्वीट कर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि देश भर के स्ट्रांग रूम के आसपास ईवीएम की बरामदगी हो रही है, ट्रकों और निजी वाहनों में ईवीएम पकड़ी जा रही हैं। ये कहां से आ रही हैं, कहां जा रही हैं, कब, क्यों, कौन और किस लिए इन्हें ले जा रहा है? क्या ये पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का हिस्सा है? चुनाव आयोग को अतिशीघ्र स्पष्ट करना चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया, देश भर में मतगणना केंद्रों के आसपास ईवीएम खुली गाड़ियों में पकड़ी जा रही हैं, जनता पकड़ रही है। एक अन्य ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने कहा, जनता ने मोदी के खिलाफ वोट दिया है, उसे मीडिया और चुनाव आयोग मिलकर बदल रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए बयान जारी किया कि एग्जिट पोल से हिम्मत मत हारिए, स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर में डटे रहिए और चौकन्ने रहिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी ईवीएम को लेकर आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ एक और बालाकोट जैसा है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ की नहीं बल्कि अदला बदली की आशंका है। बहुजन समाज पार्टी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए हैं। उधर मतगणना में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता की मांग को लेकर 20 से अधिक विपक्षी दल चुनाव आयोग पहुंचे। दल की अगुवाई कर रहे टीडीपी नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से जनादेश के सम्मान करने की अपील की है, इसमें हेरफेर नहीं किया जाए। हालांकि वीवीपैट के ईवीएम से 100% मिलान की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले 50% मिलान की मांग को भी खारिज कर दिया गया था। अब आपको बताते हैं कि क्या है ईवीएम लाने ले जाने के नियम। चुनाव आयोग द्वारा पिछले साल दिसंबर में एक आदेश जारी किया गया था कि सभी ईवीएम, चाहे वो वोटिंग के लिए इस्तेमाल हों या रिजर्व ईवीएम हों, उन्हें सशस्त्र बलों की मौजूदगी में ही लाया और ले जाया जा सकता है। इस आदेश में यह भी कहा गया था कि रिजर्व ईवीएम को भी उसी वक्त वापस करना है जिस वक्त मतदान में प्रयुक्त ईवीएम को वापस किया जाता है। अभी सोशल मीडिया पर जितने भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, हालांकि हम उनकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन उनमें फिलहाल ईवीएम के ट्रकों के साथ सुरक्षा बल के जवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल हिंदूराव में कार्य कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों ने वेतन जारी होने पर मंगलवार को अपनी हड़ताल खत्म कर दी। यह हड़ताल सोमवार से शुरू हुई थी, जबकि 16 मई से ही डॉक्टर वेतन और मूलभूत सुविधाओं को लेकर रोजाना 3 घंटे का प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल इन डॉक्टरों को 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा था। इससे नाराज डॉक्टर 16 मई से ही सड़कों पर थे। इस दौरान उन्होंने सड़क पर ही ओपीडी लगाकर मरीजों को देखा। दबाव बढ़ते देख उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आयुक्त वर्षा जोशी ने सोमवार शाम को बताया कि उन्हें दिल्ली सरकार से 206.5 करोड़ रुपये मिल गए हैं। तय नियमों के अनुसार राशि को अस्पताल प्रशासन के खाते में भेज दिया गया है। इस पूरे मामले पर
डॉक्टर से बात की हमारे संवाददाता मुकुंद झा ने। फिलहाल जो स्ट्राइक के जो कारण ये कि उनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। जो मूलभूत सुविधाएं पानी है, सिक्योरिटी है, या उनके कमरे में इस गर्मी में भी जो उनके कमरे में एसी काम नहीं कर रहे, कूलर काम नहीं कर रहे, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उनको मुहैया नहीं करी जाती, इन मुद्दों पे हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि पीछे बार बार आपके चाहे हिंदुराव अस्पताल हो या दूसरे अस्पताल हो, हिंदुराव अस्पताल में खासतौर से हर 6-8 महीने बाद एक स्ट्राइक हो जाती है। स्ट्राइक इसलिए हो जाती है कि वो मूलभूत सुविधाएँ नहीं है उनके पास। सिक्योरिटी का मुद्दा, कई बार पहले नर्स स्ट्राइक पर गई या दूसरे जो एम्प्लॉय यूनियन है वो स्ट्राइक पर जाते हैं, क्योंकि उनको इससे पहले नर्स स्ट्राइक पर गई कि उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। जब नर्स स्ट्राइक पर गई तो उनको सैलरी दे दी गई, उसके बाद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी नहीं मिली, वो स्ट्राइक पर गए उनको। मतलब एक टेम्परेरी सोल्यूशन एक कॉर्पोरेशन निकालने जा रही है कि जो स्ट्राइक पर जाता है या जो मांगता है उनसे उसको सैलरी दे देते हैं, बाकियों को उस हिसाब से करते हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उसका परमानेंट सोल्यूशन गवर्नमेंट निकालने की कोशिश नहीं कर रही है। जब थोड़ा सा शोर शराबा होता है, हल्ला होता है, तो उसको कुछ लॉलीपॉप चूसने के लिए दे दी जाती है, वो शांत हो जाता है, वो परेशानियां फिर सरफेस आउट होती हैं। जो बेसिक ज़रूरतें हैं, एक रेजिडेंट डॉक्टर जो 5-5.5 साल पढ़ने के बाद, अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद और एज ए डॉक्टर वो ज्वाइन करता है, तो उसको जो मौलिक सुविधाएं हैं वो भी उसे नहीं मिलती हैं। जैसे उसे एक अच्छा ड्यूटी रूम, उसको जो वर्किंग कंडीशंस हैं कम से कम उसके कोई वर्किंग आवर्स हों, और जो वहाँ पे 24 घंटे की ड्यूटी करता है उसको कम से कम वो सुविधाएं तो मिलनी चाहिए और एक अच्छे तरीके से मिलनी चाहिए। जो कमरा है, ड्यूटी रूम है, वो अगर गर्मियों के दिनों में कम से कम कंफर्टेबल हो, एयर कंडीशनड हो, अगर नहीं तो कम से कम कंफर्टेबल तो होना चाहिए। उसके जो वहाँ बैठने के लिए, आराम करने के लिए कुछ जगह ऐसी होनी चाहिए, जो आदमी 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है कुछ समय तो उसे बैठने के लिए भी चाहिए, खाना खाने के लिए भी कुछ जगह चाहिए उसको, उसको जो टॉयलेट जाने के लिए, टड्डे पेशाब जाने के लिए भी कोई साफ़ सुथरी से कोई जगह होनी चाहिए। हॉस्टल की जो सुविधा है वो कम से कम कम्फर्टेबल या एक रहने योग्य जगह हो। ये तो बेसिक ज़रूरतें हैं जो कि गवर्नमेंट को इनको परमानेंट रूप से उसका सोल्यूशन निकाल देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, पैसे हैं, लेकिन इन मुद्दों पे वो खर्च नहीं करना चाहती और वो इस चीज़ों को हमेशा पोस्टपोन करती रहती है। अब पिछले 3 महीने से डॉक्टर्स की सैलरी गवर्नमेंट ने नहीं रिलीज़ करी है। आप मुझे बता दीजिए कि ये अमानवीय है, क्राइम है, और ये क्यों ना जो इसके लिए जिम्मेदार उन लोगों को सजा दी जाए। अपने अंतर्राष्ट्रीय खंड में हम बात करेंगे अमरीका द्वारा चीनी दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हवाई के खिलाफ छेड़े जा रहे युद्ध की। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं जो उसकी किसी भी कंपनी को हवाई के साथ टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान से रोकते हैं। प्रबीरपुर कायस्त उस बड़े संदर्भ के बारे में बात करते हैं जिसमें ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। टॉकिंग अ बिट मोर अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, सो देयर आर मेनी एनालिस्ट्स अगेन हु सी दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ दिस वन फ्रंट इन द लार्जर ट्रेड बैटल बिटवीन चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड ऑफ कोर्स इट इज डेफिनेटली अ फैक्टर, बट द लार्जर बैटल फॉर डिजिटल सुप्रीमेसी in the current world between the US and China, how do you evaluate it in that context? So I think that's a very good issue to look at, because it might appear that this is only what Trump initially said, to balance the trade deficit which it has with the United States. But sanctioning Huawei cell phones is not addressing essentially the the difference of trade, the trade deficit as it were. This is really opening a new front, and here the issue is to push Huawei cell phones out of the market, particularly out of the non-Chinese market. So what happens if you have a Huawei cell phone today? You might get cut off from Google, so your Gmail, that may not get updated, your Google Maps. So the whole ecosystem Google and Facebook have built up, in which most of us are embedded now. And of course, the most important that Google has, the Android, on which the cell phone runs. So how do the consumers then buy a Huawei phone if he's not able to access his or her Facebook account or access various Google applications, which he takes for granted? And also, if there's a security hole in the existing Android system, it doesn't get updated. So these are the problems that the consumer is going to have, unless he is in China, in which case, of course, he might still get a, you know, he will get all access to the Chinese apps which are there,
And Google, in any case, doesn't work in China. So this is one part of it. The second part of it, which has not been adequately focused on, is the chipset sanctions. That is Huawei in a position now to manufacture its high-end phones without the chips that it imports really from various companies in the West. And that is the second line of attack. In fact, this came out earlier itself. Now, you see, if it doesn't buy or it doesn't take Google apps, Google does not get direct money from Huawei. So, in fact, the consumers lose, and consumers would like to stay in Google, so they may not buy a Huawei phone, or they may download all the other apps themselves directly, which presumably they still would be able to do, because then you're doing it as a consumer. But the chipset also affects American companies, because at a conservative estimate, $10 to $12 billion of hardware is actually exported from US companies to Huawei. Now, they all of them are under sanctions. That means they can't send any of these chips to Huawei. So Huawei loses access to these chips. The Americans also lose money, because they're not going to be able to sell that equipment to Huawei. But can Huawei replace those chipsets? And that's an open question. The fact remains, though they have said that they already were preparing for the evil day, they have been already alternative plans that they have already kept ready. It's yet not clear to most people that Huawei will find replacing all the chipsets in the short run easy. In the long run, yes, I think Huawei and Chinese have been kicked hard in where it hurts. And therefore, they now need to think about how to protect themselves in terms of digital, shall we say, independence, right, because they have been dependent on US products, both for software, less so for software for the Chinese market, definitely for the external market, because we are all dependent on Google products, as well as on Facebook, as well as on Twitter, and so on, but also on the fact that they were dependent on crucial chips, which they seem to have been importing from the United States. Can they assert quickly their independence on that count? That's something that we need to see. Let's not forget, Huawei has been, its major threat came in networking areas, because the 5G technology is something they seem to be ahead of all others. So they were in fact threatening to take over the global 5G networks because of their advance. Now they've been held back because of US telling all its allies not to buy 5G equipment from Huawei. So that's one part of it. It also has a huge presence in other networking areas. And those equipment now, what's going to happen, we don't know. But more than that, Huawei had last 3 to 5 years, Huawei has emerged as a major player in smartphones. It's in fact competing with second largest producer of Android phones, right. Samsung still being the number one. And then, of course, iPhones is behind them. But iPhone, as you know, has a high value market. Right. So these are the three major players that were there. Now, what does Huawei do? One possibility, of course, that it could say, sell all its cell phone business to somebody else in China, and they could then be facing sanctions later. That's a possibility. So it's also interesting, is the Huawei who's been sanctioned, not the entire Chinese cell phone industry. I think those are, shall we say, things that the Trump administration is keeping in reserve, because we are seeing an outright war against, not only, shall we say, in terms of Chinese goods, but we are also now seeing in terms of technology. And this is qualitatively changing the kind of scenario we are looking at. Earlier, I thought this is really a part of a larger trade war. And as you said correctly, I think, that this is not a part of only a larger trade war. It's a technology war that we are now seeing unfold. So, Daily Roundup mein filhal itna hi. Hamari khabron ko vistar se janne ke liye, aap click kar sakte hain newsclick.in ko. हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. शुक्रिया.